पंचायत समिति परिसर में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा गुरुवार को रात्रि चौपाल आयोजित की गई। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया गया। तीसांगन के उपखंड अधिकारी रामकुमार टाड़ा ने बताया कि आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा तीसांगन पंचायत समिति में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इसमें पानी, बिजली, राजस्व एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। मैडम, आज रात्रि चौपाल का आयोजन पिसांगन में हुआ है, किस प्रकार के प्रकरण आए, निस्तारण को लेकर क्या निर्देश दिए? आज जो रात्रि चौपाल की पिसांगन पंचायत समिति में की थी, उसमें विभिन्न विभागों के मुद्दे आए। कई सारे तो इंटर डिपार्टमेंटल इशू ज़्यादा थे। इसमें हमने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल है, इन सबका सामंजस्य बैठाते हुए उसमें अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुछ जमीन संबंधित शिकायतें थी, उनके लिए भी एसडीओ साहब को और जो हमारी आवेदिक क्षेत्र की शिकायतें हैं उनके लिए वीडियो साहब को निर्देशित कर दिया गया है। कुछ पीएचडी के इशूज थे, पीडब्ल्यूडी के थे, उसके लिए भी जो भी इशू था उसके अकॉर्डिंगली निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं और काफ़ी सफल आयोजन रहा यहाँ रात्रि चौपाल का। मैडम, एक पौधारोपण को लेकर भी आपने कहा है, यहाँ आमजन काफ़ी आए हैं कि पौधारोपण अधिक से अधिक लगाए मानसून सत्र में, इसको लेकर क्या? इसमें हमने काफ़ी आज तरु अजमेर पोर्टल लॉन्च भी किया है और हमने जिला हेडक्वार्टर पर भी इसकी आज एक बहुत डिटेल्ड चर्चा करी थी। हम सभी से ये विनम्र निवेदन करेंगे कि इस बार जो आगामी मानसून है इसमें अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें। इनफैक्ट पौधारोपण से भी ज़्यादा मैं चाहूँगी वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्षों का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है और उनको बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं रहती है। तो एक बार प्लांटेशन करके अगर नियमित तौर पर हम पानी देते रहते हैं तो वो वहाँ स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ये अपील मैं सभी अजमेरवासियों को आपके माध्यम से।